हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शन ऑन इंडिया। मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है भगवद गीता कुरान से बेहतर क्यों है, बोला पाकिस्तानी मुस्लिम गीता वर्सेस कुरान, और इनके चैनल का नेम है उज्वाल भारत। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। इस्लाम में सवाल करने की इजाज़त है नहीं। मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है वो है। ये दुनिया एक दिन फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसके बाद अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करेगा। ये गीता को कंपलसरी कर दिया जाएगा पूरे स्कूल्स में, मतलब हिजाब पहनने नहीं देंगे और गीता कंपलसरी करा देंगे, गीता पढ़ाएंगे। मतलब ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते है ना, जाहिर सी बात है कि हिंदू राष्ट्र बनाना। कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। तो मैंने कहा कि यार मुझे ऐसी जन्नत में जानना ही नहीं है जहाँ पे 24 घंटे दो काम है, कि आप शराब पीते रहो और हूरों के साथ बस लगे रहो। काफिर का तो हक ही नहीं है दुनिया में जीने का, मुसलमान की नजर में काफिर को तो मरना ही है। हकीकत है, कोई दो राय नहीं है। इस्लाम में बुत परस्ती खतई नहीं की जाती, जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है, ये हमारा ईमान है। दो कौड़ी का इन्हें प्लीज मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेता ही नहीं। इस्लाम में क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है। दोस्तों भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, और ये एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो कि ये भी सिखाता है कि इंसान को एक अच्छा खुशहाल जीवन कैसे बिताना चाहिए, हमें इंसानियत के राह पर सबके साथ कैसे चलना है, और मनुष्य के जीवन में कैसे भी प्रॉब्लम आए भगवद गीता पढ़ने से उसका हल निकल ही जाता है। और गीता का यही आकर्षण आपको इंडिया के बाहर भी बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है, जहाँ फॉरेनर गीता के तरफ आकर्षित होकर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान के लोग भी अभी भगवद गीता को पढ़ने लगे हैं, और उनका मानना ये है कि भगवद गीता को पढ़ने से उनके जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं। दोस्तों आज हम पाकिस्तान के ही एक ऐसे शख्स को सुनने वाले हैं जिन्होंने जब भगवद गीता को पढ़ा तब उन्होंने पाया कि कैसे भगवद गीता मनुष्य के जीवन में खुशियाँ लाती है, और ये बाकी के धर्म ग्रंथों से कैसे हजारों गुना लाभदायक है। कि मैं 58 साल का हूँ और अपनी ज़िंदगी के पहले 52-53 साल मैंने गुमराही में गुजारे, क्योंकि मैं जिन बिलीफ्स को फॉलो करता था, मैं एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर तो कभी भी नहीं रहा, ऑल दो कि मैंने 7 हज किए, लेकिन उसकी वजह यह है कि मेरे फादर वहाँ पे काम करते थे सऊदी अरब में, हम वहाँ रहते थे तो हर साल हज के लिए चले जाते थे। लेकिन यह है कि मुझे, मैं एक बागी जहन का मालिक हूँ और सवालात एक इंसान के जहन में उठते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम में सवाल करने की इजाज़त है नहीं। हमें ये इजाज़त नहीं कि आप सवाल करें और उसके जवाब आपको मिले। तो मैं बागी एक तरह से रहता था, पाकिस्तान सऊदी अरब में रह के हमेशा खतरे में ही रहता था। माँ मेरी मुझे हमेशा गुस्सा करती थी कि निकल जाओ निकल जाओ। खैर मैं यूरोप आ गया, यूरोप में अब मुझे 32 साल हो गए। यहाँ आके इंडिपेंडेंट एजुकेशन का मौका मिला, मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे सवालात के जवाबात मिलें। फिर मैं ह्यूमन राइट्स के काम में आया, तो आपको पता है ह्यूमन राइट्स में फिर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जब आप यूएन जाते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे जाते हैं। तो मुझे जब उन चीज़ों का पता लगने लगा तो मैं फिर इस बात पर मुझे वो हुआ कि और इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी जाए। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से मेरी चीज़ें करेक्ट होती गईं, क्योंकि हमें तो ये भ्रम दिया गया था कि हमने 65 की जंग भी जीती है, 71 की जंग भी जीती है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हिंदुओं ने कसम खाई है कि मुसलमानों को मिटा के रख देंगे, ये वो। लेकिन जब मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे उसका बिल्कुल उलट मिला कि पाकिस्तान ने जंग जीती नहीं थी, बहुत बुरी तरह से हारी थी, और ये हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है वो है। ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s में, अच्छा। दो चार पेज पढ़ के मुझे समझ कुछ आया नहीं तो मैंने रख दी अपनी लाइब्रेरी में,
किताबों में रख दी थी। फिर मुझे जब मैं पाकिस्तान में के इशू पूरे पाकिस्तान को उठाने लगा, पहले मैं मुहाजिरों के इशू ही उठाता था, मैं एमक्यूएम में था, जब पूरे पाकिस्तान के इश्यूज उठाने लगा और मेरी क्लोजनेस हुई भारतीय जन पीपल से, लोगों से, तो मुझे लोगों ने कुछ चीज़ों के जवाब देने शुरू किए, उसमें मेरे कुछ गुरु बन गए और मुझे सवालात के जवाब बात मिलने लगे। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी जो मैंने पढ़नी शुरू की, तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियाँ खुलती गई थी। और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम व करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की, वो कार्मा पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान जानवर फल फूल पौधे हर चीज़ का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीज़ें, गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है। तो ये सारे जवाब मुझे गीता से मिलने लगे और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें सारे इंक्लूसिव फैसिलिटी फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल, और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह की कई चीज़ें मुझे, कई सीख मिली जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसोफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ हैं, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है, इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फेद डेवलप हुआ जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ठीक है बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये वो, ये सब पॉलिटिकल है और ये इन्वेडर्स का ज़माना था, इसमें इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोइट किया गया ताकि मालाइन किया जाए हिंदुइज्म को, और अब्रामिक रिलीजन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किए थे वो अपने आप को यहाँ पे फेमस कर सकें या एडजस्ट कर सकें या ऑक्यूपाई कर सकें। तो बाकी अदरवाइज मैंने देखा है कि जैसे औरतों के हवाले से सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल ये आती है कि देखिए दुनिया की 50% पॉपुलेशन है ना वो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, महिलाएं हैं। और इस्लाम में क्लियर अल्फाज में, आज सुबह ही मैंने वीडियो लगाई है कि क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और आरिफ अजाकिया मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मुझे याद है ये बाय बर्थ पाकिस्तानी हैं और मुस्लिम थे शायद और अब शायद उन्होंने उन्होंने कहा ना मैं मुस्लिम था, मैंने अपनी जिंदगी के पता नहीं कितने साल जो है वो जाया किए हैं। मुझे लग रहा है कि मुस्लिम से ये हुए हैं वापिस से सनातनी हुए हैं कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो ये हर इंसान की अपनी मुझे लगता है कि अकल और फहम होती है कि वो उसको उसको किन सवालात के जवाबात उनको कहाँ से मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवद गीता हो गई या और जितनी भी दूसरी किताबें हैं नॉन मुस्लिम्स की
या मुस्लिम्स की जो किताब है कुरान मजीद, मुझे लगता है कि सारी जो है कहीं ना कहीं से एक ही तरह का दर्स देती हैं और इंसानियत का जो दर्स होता है। ठीक है, इनको कुछ बातें डिफरेंट लगी कि यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुसलमान है, जाहिर सी बात है, वो उनको अपनी किताब ही अच्छी लगेगी। अगर वो हिंदूज हैं तो उनको अपनी किताब ही अच्छी लगेगी, अगर क्रिश्चियंस हैं तो उनको अपनी ही किताब अच्छी लगेगी। मुझे ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप लोग का इससे मौकफ चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर सी बात है हम स्टार्टिंग से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, एक चीज़ देखते आ रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने भी यही काम किए, उन्होंने भी यही बुक पढ़ी, तो हमें एक वो कहते हैं नेचुरली तौर पे भी उससे मोहब्बत हो जाती है कि यार इसको किस तरीके से हमने पढ़ते देखा स्टार्टिंग से ही, कि मेरी माँ ने पहले इसको इस तरह से चूमा है, फिर इसको खोला है, फिर इसको पढ़ा है, तो वो स्टार्टिंग से ही जब बच्चा देखता आता है ना तो उसको एक नेचुरली भी एक उल्फत सी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जो भगवद गीता है, जो हिंदूज हैं, उन्होंने जैसे अपने पेरेंट्स को करते देखा तो उनको उससे नेचुरली उल्फत थी, उनको वो बातें सही लगती होंगी। और नो डाउट मैं ये नहीं कह रही कि भगवद गीता में जो बातें वो सही नहीं है, मैंने भी जिनके बारे में सुना है वीडियोस के थ्रू ही सुना है, मैं कोई इतनी रिसर्चर नहीं हूँ, ना ही मेरी इतनी कोई रसाई है कि मैं बहुत रिसर्च करती हूँ। मैंने जो वीडियोस के थ्रू देखा है उसमें वही बातें हैं जो कि इंसानियत का ही दर्स देती हैं, और कुरान पाक में भी यही कुछ है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, मैं मुझे एक दो बातें जो है वो ये आरिफा जाके जी की जो है वो अच्छी नहीं लगी, जैसे ये कह रहे थे कि इस्लाम में जो है वो सवाल नहीं आप कर सकते, आप को सवाल करने, अगर आप सवाल करोगे तो आपको जो है वो बहुत कोई गुनाह मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा इस्लाम तो हमें बल्कि कहता है कि आप दीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानो। और दूसरा ये कह रहे थे कि जी ये अल्लाह ताला ने कहा है कि जी सिर्फ जो मेरी वो नहीं करेगा, फरमाबरदारी नहीं करेगा या मेरी अतात नहीं करेगा, मैं उसको जो है वो जहन्नुम में, जो कलमा नहीं पड़ेगा उस वो जो सीधा जहन्नुम ही होगा। ठीक है, कलमा तो ये है कि जी आप कलमा पढ़ के जो है वो आप मुसलमान हो जाते हो, वो आपकी बेसिक है। लेकिन दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने कभी ये नहीं कहा, जैसे ये कह रहे थे कि जी भगवद गीता में है वो आपको अर्जुन ने कृष्णा ने जो है वो अर्जुन को बता दिया कि मैंने तुम्हें सारा जो है वो ज्ञान दे दिया है, अब तुम खुद देखो कि ये क्या सही है। तो अगर अल्लाह ताला ने भी इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, जितनी भी मखलूकात है अपने सबसे ज्यादा अशरफ बनाया है, तो मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया हुआ है, वो इसीलिए दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने भी इंसान को सीधा और गलत रास्ता बता दिया हुआ है कि सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है, अब तुम्हारे पास दिमाग है, तुमने खुद उसका इस्तेमाल करके करना है कि तुमने कौन सा रास्ता है जो वो इख्तियार करना है। तो ये बात भी मुझे जो है वो उनकी थोड़ी लगी थी। भाई वो ये कह रहे थे कि जी भगवद गीता में ये बताया गया कि जी अल्लाह ये जितनी भी इस दुनिया में सारी चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, फल हो, उनसे हमें प्यार करना है। तो ये सबसे पहला कोई भी वही वाली आपकी बात होगी, कोई भी किताब हो, चाहे वो क्रिश्चियंस की हो, हिंदुओं की हो या मुस्लिम्स की हो, वो हमें यही दर्ज देती है कि हमने इंसानियत से प्यार करना है, जानवरों से प्यार करना है, अल्लाह ताला की नेमतें जो है उनका शुक्र अदा करना है। तो हमें हर किताब से यही दर्स मिलता है। तो ये अब आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी ज़हनियत है कि आप किस चीज़ को जो है वो कितना फॉलो करते हो, और हर एक जो है वो वही वाली बात होगी कि हर एक को अपनी किताब जो है वो अच्छी ही लगती है। सो मेरे ख्याल से इसके बारे में जितना डीप जाएंगे ना तो और नई नई बातें जो है वो निकलती रहेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम जो है वो पढ़ते हैं सिर्फ कुरान, लेकिन जब तक हम किसी और बुक को पढ़ेंगे नहीं, हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या है। जैसे उन्होंने पढ़ा, उनको लगा कि भाई ये चीज़ इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे ही है, इसमें ठीक है, इसमें नहीं है, तो हमने बिल्कुल भी वो पढ़ी नहीं है। हाँ, जो कुछ ये मैं जरूर कहूंगी, जो कुछ सुना है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गलत किसी बुक को नहीं कहा हुआ या किसी को ये नहीं कहा, इंसानियत का ही उसमें भी दर्स है। तो खैर, मैं एंड पे यही कहूंगी कि जो भी आप करें अपने अपने ज़मीर की आवाज़ सुने, क्योंकि आपने अपने अमाल के खुद जवाबदेह होने, जो आप करोगे आप किसी के बहकावे में आकर वो चीज़ मत करो या फोर्सफुली वो चीज़ मत करो कि ये जी हम पे ये थोप दी गई है, खुद रिसर्च करो और जो आपको सही लगता है तो वो करो, क्योंकि आगे जाके आपने इसका जवाब देना है। सो खैर, ये था हमारा आज का रिएक्शन। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दे। सो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दे मैं इजाजत, अल्लाह हाफिज़।